खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद अयोध्या पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में निषाद समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। सर्किट हाउस में जागरूकता मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसानों की तरह ही मछली पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक हेक्टेयर जमीन में पट्टाधारक अथवा निजी तालाब में मत्स्य पालन करने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 1,00,000 रुपए तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकेंगे। जाल बुनने या फेरी लगाकर मछली बेचने वाले पालकों को 25,000 रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। निषाद समाज के आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में सरकार का समर्थन किया गया था, आधी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जल्द से जल्द निषाद जाति और उपजातियों को खुशखबरी मिलेगी। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने को लेकर दो बहनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सपा विधायक पल्लवी पटेल के टकराव को लेकर उन्होंने कहा कि उपचुनाव में विपक्ष के लोगों के मुंह पर जनता ने ताला लगा दिया है। जयंती के लिए कोई निश्चित स्थान होना मतलब उसका राजनीतिकरण है। जयंती कोई कहीं भी मना सकता है, इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पिछली किसी भी सरकार ने निषाद समाज के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन योगी सरकार ने निषाद राज पार्क, कई स्थानों पर निषाद राज की मूर्ति और निषाद राज चौराहे का निर्माण करवा रही है। यही निषाद समाज की ताकत है। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। अशिक्षित और शिक्षित दोनों लोगों को इसमें अवसर है, मुझे आकर्षण हमारे यहाँ, और पहली 4 तारीख से हमारे यहाँ हर जिले में शिक्षण प्रशिक्षण चलेगा, और उस शिक्षण प्रशिक्षण में हमारी जो प्रशिक्षणार्थी हैं ये पढ़ लिख कर, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड लोग हैं, कम साधन संसाधन है हमारे विभाग में, आधे लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर भी जो डी डी हैं, निदेशक हैं, हमारे जो ए डी एफ हैं, डी ओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो सारे लोग फिशरी क्षेत्र में ट्रेंड लोग हैं, वो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं और कई स्टेप की ट्रेनिंग अभी उनको चल रहा है। उससे शुरुआत मंत्री निषाद समुदाय लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है, बात कहाँ तक पहुँची? निश्चित रूप से पहले हम उस पर निश्चित रूप से निर्णायक तौर पर है, माननीय गृह मंत्री के पास पहुँचा हुआ है, लेकिन पहले आरक्षण के लिए हमें शिक्षा की भी जरूरत है, और शिक्षा तभी हो पाएगी जब उनका पैसा होगा, रोजगार के लिए भी जरूरी है, रोजगार होगा तभी सर्वाइव कर पाएगा और विकास की मुख्यधारा में जा सकेगा। इसीलिए ऐसे देखिए जिन कमजोर, जिनके लिए अवसर आरक्षण प्राप्त करता है, उसी को अवसर ये वित्तीय सहायता देकर, उसको हम सहायता देकर हम चाहते हैं उसकी लिविंग जो हो रहा है वो आगे बढ़े, उसका जो जीवन स्तर है सुधार आए, पैसे आए और कमा सकता है। जैसे हम एक उदाहरण देता हूँ कि लक्ष्मी जो होती है, वो लक्ष्मी जो होती है वो कमल पर होती है और कमल पानी में होता है, कभी कमल जो खेत पर नहीं होता, तो कमल जो पानी में होता है, जिनसे कहना यह है कि पानी में ही लक्ष्मी जी है, इसलिए पानी से डरो नहीं। पानी में 20 पैसे का एक बच्चा छोटा जो जीरा होता है, 10 से 20 पैसे का आता है, अगर वो छोटे टाइप में डालकर वो 100 दिन 125 दिन दे सकते हैं मंत्री जी, मैं बच्चों को भोजन देता है छोटा, कितने खाएंगे बच्चे, वो बड़े हो जाएंगे 2 रुपए, मतलब 10 गुना ज़्यादा अगर हम 100 रुपये 100 दिन में कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मात्रा, तो ये इसी चीज़ को इनको इनके, क्योंकि इसी चीज़ में किसी को असंभव होने के लिए या तो व्यापार व्यवसाय या पैसा